अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग। जुम्मा का दिन है आज। रिजवान भाई दावत किया हम लोग को, रिजवान के पास जाना है। रिजवान भाई के पास हम लोग को जाना है, वही जल्दी जल्दी तैयार हो रहा हूँ, नीचे में वेट कर रहा हूँ। टाइम हो गया अभी नमाज का। आज कल लोग ये वाजिद भाई बनाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। चलो जल्दी जल्दी, टाइम हो गया अभी नमाज का। टाइम सिर्फ 10-15 मिनट बाकी है, फिर वहाँ पर जाना भी है। अभी जुम्मा के दिन पूरा बिजी रहता शेड्यूल। उसके पीछे लॉक करो चाबी। हमें लग सबसे पीछे रह जाता है हर जुम्मा, है ना। क्या करते ड्यूटी करके आते रात में, नाइट शिफ्ट, फिर अभी लेट होता अक्सर। अच्छा चलो रिजवान भाई वेट कर रहे हैं नीचे। रिजवान भाई वेट कर रहे हैं नीचे। आज बिरयानी बनाया है रिजवान भाई। आप कुछ बोल नहीं रहे क्या? कुछ बोलिएगा तब ना। लीजिए मैं बोलता हूँ, खत्म कर। वाजिद भाई को मैं बोल रहा हूँ ब्लॉग बनाओ, कुछ बोलो आप। बंदा शर्मा रहा है, आईफोन लेके इनको मेरे से ज़्यादा टाइम हो गया। 3 साल से आईफोन यूज़ कर रहा बंदा, लेकिन शर्माता बहुत, कैमरे बोलता ही नहीं है। मेरे को वाजिद भाई पाजी का डायलॉग याद आता है बहुत। मतलब दोनों मेरे को मोटिवेट करने वाला बंदा बोलता है, शानुमर ब्लॉग बना यार, आईफोन नहीं है। पाजी बोलता शानुमर कल से स्टार्ट, और ब्लॉग अभी तक स्टार्ट है पाजी का। इंडिया चला गया अभी वो। आज मेरा ड्यूटी भी रहता है हर फ्राइडे को, 3 बजे से ड्यूटी है। अभी जाएंगे रिजवान भाई के रूम में, बिरयानी वरियानी खा लेंगे, उधर ही नमाज़ पढ़ लेंगे, उसके बाद ड्यूटी जाएंगे उधर ही से उधर। ये हमारे रिजवान भाई का गाड़ी बैठा हुआ बंदा। अस्सलाम वालेकुम, आईफोन तो दिला दिया आप लोग, अभी ब्लॉग पे ब्लॉग बन रहा मालूम है। रिजवान भी क्या बनाया यार, कुछ स्पेशल है क्या अचानक से पार्टी वार्टी? बिरयानी बनाया हूँ काफी दिनों के बाद, देखता हूँ। बिरयानी का चर्चे तो बहुत सुना था कि बहुत टेस्टी बनाते हो। बनाता तो हूँ, बनता तो है टेस्टी, लेकिन आज पता नहीं कैसा बना होगा। बिरयानी मास्टर का भी दिखा रहा मैं। ये हमारे हैदराबाद के वाजिद भाई, हैदराबादी बिरयानी तो फेमस है आप लोग जानते हो। वाजिद भाई आप कब बना रहे बिरयानी? बनाएंगे कल, मैं लेके आया हूँ मटन, लेके आया हूँ। अब नेक्स्ट आप बनाइए। वो बात तो है वाहिद भाई। गाइस आप लोग को एक बात बताऊं, मैं पहले पाया पसंद नहीं करता था, निहारी जिसको बोलते हैं ना, लेकिन वाजिद भाई का बनाया हुआ मैंने 2-3 बार पाया खाया, उसके बाद से ना कज़न से पाया का फ़ैन हो गया मैं इनका। मैं घर में जाता हूँ तो घर का पाया मेरे को पसंद नहीं आता उतना, और मैं घर में ताना भी देता हूँ कि पाया उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वाजिद भाई जो पाया बनाते हैं ना, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अपना चश्मा लाना भूल गया, और मेरे आँख में डार्क सर्कल भी है, तो रिजवान भाई ने अपना चश्मा दे दिया। ये इटली का क्या है, अरमानी हुआ, अरमानी के इन्होंने चश्मा खरीदा। क्या मस्त लुक है, बताओ आप लोग भी। तो रिजवान भाई वही बता रहे, क्या बता रहे थे, इसका फैसिलिटी क्या फैसिलिटी है, कोई बंदा पहनेगा ना उसका सीधा फिट बैठेगा।
ये बात तो है मेरे चेहरे पे फिट आ रहा है, एकदम फिट बैठा है, कोई भी पहन ले इसको। धूप तो बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा कि धूप है। बहरहाल ये मस्जिद यहीं पे नमाज पढ़े थे लास्ट टाइम जब वो ऊंट फार्मिंग वाला हम लोग बनाए थे ना ब्लॉग, उस समय तो यहाँ पे अभी नमाज पढ़ लेंगे, उसके बाद जाएंगे बिरयानी खाने के लिए। पार्किंग देखते हैं, जैसे को लेडीज़ के लिए प्रेयर एरिया है यहाँ पे, उसके लिए पैदल चल के आएंगे हम लोग। लास्ट में आए तो पार्किंग के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था, एकदम आगे में पार्किंग करना पड़ेगा। चलिए फिर अब नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे का ब्लॉग भी बनाएंगे, खाना भी खाएंगे। चले, यहाँ का धूप बहुत भयानक है कसम से यार, मैं चश्मा पहना तो मेरे को तो इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर 40 के आसपास होगा ना, 39 चल रहा था, 39 ना, बहुत ज़्यादा था पसीना। पहले लोग कैसे सरवाइव करते थे ये मैं सोचता हूँ कभी कभी, हाँ कैसे रहते होंगे पहले सारे जानो। तो गर्मी स्टार्टिंग है तो 39 है, 40 है, 45 55 तक जाता है टेम्परेचर। हाँ और इस साल थोड़ा गर्मी लेट भी आया, पहले के कंपैरिजन में इस बार लेट आया गर्मी, अभी देखो मई का ये ख़त्म होने वाला है लेकिन उतना गर्मी नहीं है। चलो मैं तो वजू बना लिया, वजू बना हुआ आप लोगों का, गर्मी पड़ रही मतलब खजूर भी आ रहा पेड़ में, देखो कच्चा कच्चा खजूर दिख रहा आप लोगों को, ये खजूर बड़ा टेस्टी लगता है यार, फ्रेश खजूर मिलता है एकदम। खुतबा स्टार्ट हो गया, हम लोग लेट हो गया, وقد علم من دينكم بالضرورة أن الحج ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج واجب على الفور، لا يجوز لمن استطاع الحج أن يؤخره، فمن كان مستطيرا به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن، إلى آخر الحديث رواه البخاري. اللهم اجعلنا من أغنى خلقك بك. الحمد لله نماز ہو گئی، پانی کا بوٹل بھی تھا، پانی لے لی، بہت پیاس لگ رہا تھا، اب جا رہے ہیں رضوان بھائی کا روم میں، ادھر جا کے بریانی ورانی کھائیں گے۔ बोलो अभी चले बकाला पे पेप्सी ले लेता हूँ, एक कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे उसके। बस्ती है ना रिजान भाई, है ये पूरा बंगलो है यार, देखो ये पूरा रईसों का बस्ती है, ये घर नहीं है, खाली बंगलो दिख रहा सर। हम लोग जा रहे हैं बकाला, दुकान जा रहे हैं, वहाँ से जाके कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेते हैं, ये बहुत कॉमन है इधर, बिरयानी कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए लोगों का शुगर उगर बढ़ जाता है ना, शुगर और तोंद बाहर निकल जाता है। मैं तो बहुत अवॉइड करता हूँ यार कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक, मेरे को पसंद नहीं है पर्सनली। यहाँ कुछ मिले ना मिले खजूर का पेड़ देखने को जरूर मिलेगा, हर जगह खजूर का पेड़। थोड़ा हाउस में हो गए जो भी जा रहे हैं, नहीं ये लोग काम करने वाला होगा, पैदल कहाँ चलता है आज के टाइम पे, हॉर्स ड्राइवर का अपना गाड़ी रहता है। यहाँ पे हाउस ड्राइवर लोग जितने भी होते हैं ना सब रईस टाइप के, सबका गाड़ी रहेगा है ना, भले उनके जिंदगी जैसा भी हो। और ये पेट्रोल पंप, यहाँ का पेट्रोल पंप कुछ ऐसा रहता है एकदम ओपन। क्या लेना है, कोल्ड्रिंक लेना है, पेप्सी लेना है? पेप्सी लेंगे, पेप्सी मैं लेके आ रहा हूँ। वालेकुम सलाम, कोई अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ये बच्चा मिल गया यार, बोलता ब्लॉग बना रहे हो मेरे को भी ले लो, माशाल्लाह। इसने मिलता अहमद माशाल्लाह, सलाम। तो इधर है पेप्सी यार, मैं उधर खोज रहा था पेप्सी, छोटा वाला पैकेट किधर है देखना पड़ेगा, इधर है छोटा वाला, चलो मैं ये ले लेता हूँ। इसका दाम कितना है, 5 या 6 रियल शायद इसका दाम है, ये है ना फिर 3 लोगों के लिए। इससे बड़ा इधर है और उससे भी छोटा इधर है, ये पूरा रैक, इधर सब्जी वगैरह सब है, जूस वगैरह सब कुछ,
इधर कुछ इस तरह से रहता है। ये खीरा यहाँ का खीरा एकदम अलग है, ये कैप्सिकम मिर्चा देखो, बाकी सारा फ्रोजन आइटम्स इधर रहता है और चिकन तो भाई ऐसे रहता है इधर। चलो फिलहाल तो पेप्सी ले लिया मैं, पेप्सी लेके जाता हूँ काउंटर पे ड्रिंक करवाता हूँ। बाकी इधर तेल चावल वगैरह मैं पिछले ब्लॉग में ऑलरेडी दिखाया हूँ आप लोगों को। यहाँ का पेट्रोल पंप ना बहुत ओपन रहता है, देखो इस टाइप का, गाड़ी से लोग उतरते भी नहीं, गाड़ी में बैठे बैठे यहाँ पे डाल लिया अपना। लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बनाया हुआ है यहाँ पे लोगों ने। और एटीएम भी देखो वहाँ पे, वो गाड़ी दिख रहा है, वो एनसीबी बैंक है कि एक्चुअली वहाँ पे एटीएम है। लोग यहाँ से गाड़ी से उतरते ही नहीं, सारा चीज़ का बहुत अच्छा फैसिलिटी है, गाड़ी में ही बैठे बैठे पैसा निकाल लेता सब कुछ, गाड़ी में बैठे बैठे पैसा निकाल रहा हर चीज़, मतलब लाइफ को होता है ना। देखो बंदा निकाल रहा है पैसा वहाँ पे, वो बंदा पैसा निकाल रहा है। हालांकि ये सब चीज़ ममनू है यहाँ पे, यहाँ पे लोग अपना प्राइवेसी को बहुत छिपा के रखते हैं ना। ये जेल है सामने, ये जेल है क्या? हाँ, ये जेल है। अरे बाप रे, ये जेल है, बहुत बड़ा जेल है, पूरा बाउंड्री उसका था। और अब जा रहे हम लोग अपना जेल में, रिजवान भाई इंटरनेशनल जेल। यहाँ पे जेल कभी अंदर गए हैं क्या? नहीं अंदर नहीं गया। जेल में कौन रहता है यहाँ पे, यहाँ के लोकल लोग या इंटरनेशनल? नहीं लोकल, सब लोग रहता है। ये जो है ना, ये जेल जो है लोकल लोग के लिए है, यहाँ के सऊदी लोग के लिए। बाकी जो फारसी लोग के लिए और बाहरी लोग के लिए है ना, वो उधर है तुकबा में। हाँ, वहाँ पे मेरा कुछ दोस्त लोग काम करते हैं। एक्चुअली वो सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग नहीं शेयर कर सकते सोशल मीडिया पे, क्या होता नहीं होता ना, और पता भी नहीं है, सच बात पता भी नहीं है और कर भी नहीं सकते। पता भी है तो फिर नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते। लेकिन इतना तो पता है यहाँ का पुलिस, यहाँ का जेल अपने कंट्री के कंपेरिजन में बहुत अच्छा है यार। कानून, यहाँ का पुलिस कभी हाथ नहीं उठाएगा मारने के लिए। जवान भाई का रूम आ गया, इनका बिल्डिंग है इधर, ये इनका कफिल का घर है ना, ये भी बंगलो टाइप का बड़ा है। रिजवान भाई का रूम ये है भाई, हाउस ड्राइवर लोग का रूम ऐसे ही रहता है, घर का पीछे में रहता है ना। लेकिन इनका रूम अच्छा है, फिर भी कंपेयर अगर करें बाकी लोगों का रूम से तो इनका रूम थोड़ा बड़ा भी है। नहीं तो ये इनका बेड है भाई, देखो सोने के लिए ये इनका बेड है। बिरयानी की खुशबू आ रही है अंदर जैसे आया, ये इनका अपना LED भी लगा हुआ है। छोटा ही सा रूम में देखो, ये कितना होगा मेरे ख्याल से 6x10 का रूम है ना, यही है ना, 6x10 का रूम है। एक LED लगा हुआ है, ये इनका किचन, इधर बिरयानी, क्या बिरयानी है वो खोलने के बाद पता चलेगा, बाद में दिखाएंगे आप लोगों को। चिकन बिरयानी, अच्छा दिखा भी देंगे तो चलो दिखा ही लेते हैं। ये है चिकन, बाकी टेस्ट बाद में हम लोग देखेंगे। सुबह से ही लगा हुआ, और ये इनका पानी उनी सारा चीज़ है। लाइफ बहुत इजी बना रखा है रिजवान भाई ने, मालूम है, इसीलिए बंदा ये घर जाने का सोच भी नहीं रहा। इधर मिरर है इनका, इधर ये AC है, ये स्प्लिट AC है इनका, क्या है लाइफ देखो कितनी। ये अलमारी भी है इनका, उधर क्या बोलते उसको, ब्लैंकेट है। अब यार मैं इधर आएगा आपका रूम में आएगा भाई, मेरे को अच्छा लग रहा आपका रूम। कैसा लग रहा भाई तुम्हें? अच्छा अच्छा। और इधर एक छोटा सा बाथरूम भी है इनका, बाथरूम का साइज भी मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो ये इनका बाथरूम है छोटा सा, गीजर उजर सब लगा हुआ है, गीजर लगा हुआ है, ये फ्लश टैंक है, ये इनका वाश बेसिन है पर्सनल। तो लाइफ जो है ना यहाँ पे अच्छा है, इसीलिए लोग सऊदी में आके फंस जाते हैं, बोलते हैं मीठी जेल में आ गए हम लोग, यहाँ से निकल नहीं पाता आदमी। फटाफट खीरा को मैं छील दूँ क्या? खीरा ये छीलने वाला इंडिया का खीरा थोड़ी ना छीलेगा। दिखा दीजिए मैं तो खीरा भी दिखा दीजिए, मेरे को नहीं दिखाए इंडिया का खीरा नहीं है ना, जिसे छीलना पड़ेगा। खीरे का और मजा आया, छोटा सा हो गया। क्या कर रहे शानो? खीरे के साथ आईफोन रख रहे क्या? आप भी खाओ यहाँ का खीरा, इंडिया का जैसा नहीं है ये, एकदम पीता नहीं रहता, दिखने में भी अलग दिखता है।
टेस्ट भी थोड़ा अलग है। हाँ हाँ अपने जैसा ना, अपना अच्छा है टेस्ट। और कुछ काटना है चलो इसमें, और कुछ काटना है क्या? खीरा का प्याज चलेगा, टमाटर चलेगा, मिर्ची चलेगा, हाँ सब चलेगा ना। सुनो भाई साहब, इसको तो सप्रा बोलते हैं, आप लोग को मालूम होगा, जो सऊदी में, जो सऊदी में नहीं है उनको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग ये सप्रा में ही खाना खाते हैं, यहाँ पे डाल के खाना खाएंगे प्लास्टिक में। प्लेट उलेट धोने का झमेला ही ख़त्म। जब मैं घर भी जाता हूँ ना तो सप्रा लेके जाता हूँ, घर में लेडीज़ लोग को थोड़ा कम तकलीफ़ होती है। जब मेहमान बहुत ज़्यादा रहते हैं घर में, प्लेट धो ये करो, उससे अच्छा सप्रा में खाओ, फेंको सप्रा। तो भाई लोग, आज का पार्टी खत्म। रिजवान भाई का रूम में आए थे, खत्म हो गया, अब जा रहे हैं। भाई भाई क्या दिख रहा है? अतर तो लगाए नहीं आप लोग, मेरा स्पेशल अतर है, अतर है स्पेशल। चलो लगा भी लेते हैं। उठ गए क्या? कैसा अतर है? यहाँ का धूप ऐसा है ना कि सिर्फ पानी मांगता है। आप धूप में जब जाओगे ना, सिर्फ पानी मांगेगा आदमी, खाली पानी के लिए बोलता है, प्यास वगैरह लगता है। खजूर का पेड़ के नीचे थोड़ा छाए, खजूर का पेड़ के नीचे आ रहा है। देखिए ये खजूर का पेड़, लेकिन लू टाइप का चल रहा, बहुत गर्म हवा, बहुत भयानक गर्म गर्म हवा चल रहा। तो चलो बस इतना ही था ये ब्लॉग में, अब फिर कोई और ब्लॉग में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए आप लोग भी।